बीचकर फोन नीचे के नरसंहार के विरोध में बोलिए भारत माता की दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी फोन नीचे कर ले केंद्रीय मंत्री श्रीमान अल्फोंस जी क्या करेंगे कुछ नहीं आ रहा भाई सांसद और राष्ट्रीय मंत्री भाई महेश गिरी जी और आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली के तीन जिलों से हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों आज ये जन सुरक्षा यात्रा लेकर मनोज जी अभी जाने वाले भाई ओ तुम बैठ जाओ अभी अरे सिक्योरिटी के सारे लोग रस्सी छोड़कर साइड में हो जाए जरा सारे लोग साइड में हो जाए और मीडिया के लोग भी इस कोने में आ जाए जरा एक मिनट भाई एक मिनट मित्रों आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर प्रदेश अरे भाई रहने दो ना बैठ जाओ यार भारतीय जनता पार्टी आप भी आ जाओ भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में जन सुरक्षा यात्रा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जन सुरक्षा यात्रा लेकर निकलने की? केरल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है संघ और भारतीय जनता पार्टी के 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर और हत्या इस प्रकार से करते हैं जिससे शरीर के क्षत विक्षत टुकड़े टुकड़े कर दिए जान से मार देना भी बहुत घृणास्पद बात है मगर यहाँ फोटो लगे हैं मेरा मीडिया से निवेदन है कि फोटो को जरा आप जनता को दिखाइए आपके माध्यम से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते और क्या मकसद है जान तो एक गोली से भी जा सकती टुकड़े टुकड़े क्या करते क्यों करते हो क्या संदेश देना चाहते हो वो भय खड़ा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ा उसकी इतनी क्रूरता पूर्वक हत्या मैं आज पार्टी के अध्यक्ष के नाते ये सारे लाल भाई जो फैले हुए हैं उनको कहना चाहता हूं हत्या का कीचड़ जितना आप बढ़ाओगे कमल उतना ही अच्छे से खिलकर बाहर हमारी पार्टी हमारी विचारधारा बलिदानों से डरने वाली नहीं है हम मां भारती के लिए और हमारी विचारधारा के लिए प्राण देने के लिए सदैव सदैव तैयार रहते हैं मगर इतना याद रखिएगा
कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये हत्याओं को सहन भी नहीं करेगा। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, हम साम्यवादी नहीं है, हम हिंसा की राजनीति में भरोसा नहीं करते, मगर हम जन जागृति ऐसी फैलाएंगे कि आप आपके कार्यालय को छोड़कर कार्यालय के बाहर न निकल पाओ, इतना जन आक्रोश आपके सामने खड़ा। और इसी मकसद से ये जन सुरक्षा यात्रा निकली है। मित्रों, आज आप दिल्ली में पैदल मार्च लेकर जा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ देश के सभी 30 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी में पैदल मार्च लेकर इन नृशंस हत्याओं का विरोध करने के लिए निकले। और केरल में 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, कन्नूर से लेकर त्रिवेंद्रम तक, पयन्नूर से लेकर त्रिवेंद्रम तक ये यात्रा निकलने वाली है। और मित्रों, जरा भी शर्म लिहाज नहीं, हत्याएं होती है, किसी की गिरफ्तारियां नहीं, केस दर्ज करने में तकलीफ होती है, और हत्याएं कहां सबसे ज्यादा होती है। कम्युनिस्ट पार्टी को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले में सबसे ज्यादा हत्याएं मुख्यमंत्री के स्वयं के गृह जिले के अंदर। जो बता रहा है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही ये सारा हत्या का तांडव हुआ। 120 से ज्यादा कार्यकर्ता जब से कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, संघ और भारतीय जनता पार्टी के 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। मित्रों, ये लोग समझते हैं कम इस तरह से डरा धमका कर विचारधारा को रोक पाएंगे, विचारधारा की गति को रोक पाएंगे। मैं कम्युनिस्ट और उनका समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी दोनों को कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए हैं और कांग्रेस भारत में समाप्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी जो 10 सदस्यों से भारतीय जनता पार्टी जो 10 सदस्यों से शुरू हुई थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है। देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी और इसके साथियों का शासन है, और केंद्र में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, ये जो हत्याएं होती है उनके परिवारजनों को मैं मिला, किसी के 2 साल का बच्चा है, किसी के 6 माह का बच्चा है, किसी की अभी शादी करना बाकी है, इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को मार दिया, दिन दहाड़े मार दिया जाता है, कार्यालय जलाए जाते हैं, कार्यालय पर बम फेंके जाते हैं, प्रदर्शन करने वाले लोगों पर हमले होते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चुप है। मैं मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, हिंसा हिंसा होती है, जब कम्युनिस्ट हिंसा करते हैं तो हिंसा हिंसा ही रहे। आप लोगों ने भी ये हिंसा को देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया। और मैं आज इस मंच पर से ये ह्यूमन राइट के चैंपियन छोटी छोटी चीजों में मोमबत्ती लेकर जो निकल पड़ते हैं, इनको मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी पार्टी के 12 कार्यकर्ता दिन दहाड़े मार दिए गए, क्यों आपका हिंसा के प्रति आक्रोश उजागर नहीं होता? हमने कभी आपको मोमबत्ती देकर लेकर ये लाल भाइयों के खिलाफ क्यों नहीं देखते? सिलेक्टिव विरोध आपको एक्सपोज कर गया है कि आपका विरोध हिंसा का नहीं है।
अगर हिंसा के लिए विरोध होता तो कम्युनिस्ट हिंसा के खिलाफ भी आप प्रदर्शन करते। अगर एक भी बंदा इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर आज तक नहीं निकला है हमारे 12 कार्यकर्ताओं के लिए। मित्रों, मैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि केरल में हमारे जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं हमारी पार्टी के विस्तार के लिए, इतने अत्याचार के बाद भी फैल रहे हैं, मेरा आप सभी को निवेदन है, पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी केरल के शहीद के परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहे और अपने आप को परिवारों के साथ जोड़े। और देश भर में एक कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसा के खिलाफ इतनी जन जागृति करे कि जनता के दबाव में उनको हिंसा बंद करनी पड़े। मैं जनता के दबाव में इसलिए कह रहा हूं कि वो वैसे तो हिंसा बंद करने वाले नहीं है, उनका चरित्र ही हिंसा से राजनीति करने का है। राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला देश में 3 राज्यों में चलता है, बंगाल में चलता है, त्रिपुरा में चलता है और केरल में चलता है। महज एक कोइंसिडेंट नहीं है कि तीनों जगह वामपंथी लंबे समय तक शासन में रहे हैं। जहां जहां वामपंथी शासन में रहे हैं वहां की राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने हिंसा की राजनीतिक संस्कृति बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे केरल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे बंगाल हो, हिंसा की राजनीति का डट कर मुकाबला करेगी। आज हजारों की संख्या में आप सब यहीं आए हैं, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आप जो पैदल मार्च करोगे हमारे शहीद परिवारों का हौसला बढ़ाने का काम करोगे, केरल के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम। और देश भर में जो जन सुरक्षा यात्रा चली है, जन सुरक्षा यात्रा को मैं रोज मॉनिटर करता हूं। मित्रों, 8,000 कार्यकर्ता, 10,000 कार्यकर्ता, 22,000 कार्यकर्ता 10-10 किलोमीटर केरल में पैदल चलते, और जो जनाग्रह केरल में खड़ा हो रहा है, मुझे भरोसा है जनता का ये दबाव उनको शांत करने के लिए काफी है। और भारतीय जनता पार्टी हिंसा का जवाब हिंसा से दिए बगैर हम सत्याग्रह कर उनको रास्ते पे लाने का काम करेंगे। और आज इस मौके पर जो 12 कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, आप सबकी ओर से वो 12 हुतात्माओं की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ। और हम सब करोड़ों कार्यकर्ता केरल के हमारे जो कार्यकर्ता है इसके साथ खड़े हैं, इसकी ढाढ़स बनाकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में यहाँ से मैं पैदल यात्रा को शुरू कराऊंगा। मेरा आप सबको अनुरोध है, आपका लगाया हुआ एक एक नारा इस शहीद हुतात्माओं की आत्मा को संतुष्ट और संतृप्त करने वाला रहेगा। आप सब शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा को अपने गंतव्य स्थान पर ले जाइए और अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए विरोध दर्ज कराइए। इतनी ही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।